तो सुपर 50 के बाद आप खबर जान लेते हैं विस्तार से, पाक किसान आंदोलन की, जिसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। कल दिल्ली को छोड़कर पूरे देश भर में चक्का जाम की तैयारी है। आज दिल्ली के अलावा राजस्थान और पश्चिमी यूपी में बड़े कार्यक्रम के आयोजन का ऐलान किया गया है। कौन कौन से ये कार्यक्रम है और इसकी कैसी है तैयारी, हम जो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे उसके जरिए आप सब समझ जाएंगे। जैसे जैसे किसान आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं, आंदोलन की आंच तेज होती जा रही है। कल दिल्ली छोड़ पूरे देश में चक्का जाम। 6 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला। दिल्ली जो अंदर है वहाँ तो अपने आप ही कर लिया भाई, वहाँ तो राजा ने अपने आप की बंदी कर ली, हमारे जाम करने की जरूरत ही नहीं। चक्का जाम तो कल होगा, लेकिन आज भी देश भर के कई जिलों में कृषि बिल के विरोध में कई कार्यक्रम होने वाले हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP राजस्थान के सभी जिलों में आज ट्रैक्टर मार्च निकालेगी। हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP का एक कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू होगा। सचिन पायलट के गढ़ दौसा में भी महापंचायत का आयोजन है। इस कार्यक्रम में सचिन पायलट किसानों को संबोधित करेंगे। सभी किसान भाई एक जरूरी सूचना सुने। अब आपको पश्चिमी यूपी के शहर शामली की तस्वीर दिखाते हैं। आज यहां महापंचायत की तैयारी है। गाड़ियों में सवार होकर लाउड स्पीकर के माध्यम से महापंचायत में भीड़ जुटाने की अपील की जा रही है। ज्यादा है ज्यादा लोग भैंसवाल पहुंचे किसान महापंचायत में। लेकिन इस आयोजन को लेकर आयोजन और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि प्रशासन ने महापंचायत की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अब आपको हरियाणा के सिरसा लेकर चलते हैं, जहां मंदिर और गुरुद्वारे के स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है। सारे किसान 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम को शांति से करने की अपील की जा रही है। एक तरफ चक्का जाम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन में हैं। कल अमित शाह ने संसद में हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, IB प्रमुख अरविंद कुमार और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव मौजूद थे। सरकार के मंत्री और अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं राकेश टिकैत ने भी कल साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि उनके आंदोलन को भले ही राजनीति के आरोप लग रहे हों, लेकिन उनका मंच PM को अपशब्द कहने के लिए बिल्कुल नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।